हे देवा, ये इतनी देर से यहाँ चल रहा था। देखा हीरो साहब, अन्न के भंडार गृह में आग लग गई। अब किले में अन्न खत्म, अनाज के अभाव में किले के अंदर लोग भूखे मरने लगेंगे। और महारानी Well done, Dulaju. Now we'll see how long Queen Lakshmi Bai lasts. Lakshmi Bai, your end is near. Your end is near. Your end is near. महारानी साहब, अरे जल्दी आग बुझाओ, पानी लाओ, डालो पानी। मिला पानी कहां से लाए तुम? हुजूर, कुआं से भरकर भागे भागे सीधा यहां लेकर चले आ रहे। इन फिरंगियों ने हमारे भंडार गृह में आग लगाकर हमारे अनाज के भंडार को समाप्त कर दिया है। हे भगवान, पानी के स्रोतों को दूषित कर दिया। आज तो काम चल जाएगा, परंतु कुछ दिनों में पानी पीने के लिए भी नहीं बचेगा। हमें कुछ भी करके तात्या गुरु को इस बारे में सूचित करना है, परंतु कैसे? रघुनाथ जी, आप शीघ्र शीघ्र कर्मा को बोलिए कि वो हमसे आके मिले। सेवक हाजिर है, बताइए। कर्मा, क्या तुम इस टेलीग्राफिक मशीन को ठीक कर सकते हो? महारानी साहब, ये काम चलाना तो जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन ठीक नहीं करे हैं कभी। कर्मा, एक बार प्रयास करके देखो ना, हो सकता है तुम सफल हो जाओ। हमें दाते गुरु को एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संदेश भेजना है। जी महारानी साहब। क्या हुआ बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा किसने कहा आपको? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आइए, हम आपको खाना देते हैं। कर्मा, इन फिरंगियों ने हमारे अनाज के भंडार गृह में आग लगा दी है। इस बात का ध्यान रखना कि यह बात किसी को पता ना लगने पाए, खासतौर से बच्चों को। ये टेलीग्राफिक मशीन जैसे ठीक हो जाए तुम हमें बता देना। जी, जी महाराज। बाप चुप हो जाना, तो रोक रोक मैं दिमाग खराब कर रहा है। ऐसे आप बहुत बच्चे पर चिल्लाते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्या हुआ ऐसे? भूख लगी है महारानी साहब। कैसी माँ हो तुम, बच्चे को चुप नहीं करा सकती? यदि इसे भूख लगी है तो इसे दूध पिलाओ। महारानी साहब, हम इकी मौसी हैं, इकी माँ तो आप ही की नारी सेना में लड़ते हुए मर गई। और इसके पिता? वो तो आप ही की सेना में है,
फिरंगियों के साथ लड़ रहे हैं। चुप हो जाओ बच्चे, हम अभी आपके लिए भोजन भिजवाते हैं। महारानी साहिबा, मुझे भी भूख लगी है। आपके लिए भी भोजन भिजवाते हैं तुरंत। बस अभी देते हैं आपको भोजन, आइए। मुंदर, ये खाना किसके लिए लेके जा रही हो? युवराज खाना मांग रहे थे तो इनके लिए ले जा रही हूँ। जाइए दामोदर, आप मुंदर के हाथ से खाना खा लीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। चलिए युवराज। रसोई घर में जितना भी खाना बचा है वो हमारी प्रजा के बच्चों में बांट दीजिए, सब भूख से बिलक रहे हैं। क्या हुआ? जो भोजन था सब बांट दिया गया। ये देखिए महारानी साहिबा। बहुत मुश्किल से मुंदर इन पात्रों में से खुद पहुंच कर युवराज के लिए खाना निकाल पाई। महल की रसोई में कुछ भी नहीं बचा। रघुनाथ जी। महारानी साहिबा, व्यापारी अनाज लेकर झांसी में कब आते हैं? वैसे तो वो दोपहर तक आ जाते हैं, परंतु इस बार परिस्थिति विपरीत है। फिरंगी नगर द्वार पे मौजूद है, पता नहीं वो उन्हें चकमा देके कैसे अंदर आएंगे। जामू, अरे सिद्धू बिल्कुल ठीक कह रहा था, झांसी हमें अनाज लेकर नहीं आना चाहिए था। बाहर पहुंचने के पहले ही ये फिरंगी लोग हमारे सारे अनाज को लूट लेंगे और हम मारे भी जाएंगे। मगर जगन भैया, हमारा घर तो झांसी में है ना, और वहाँ हमारे बीवी बच्चे हैं, वो वहाँ पे अकेले हैं, और अगर हम वहाँ नहीं गए ना वो भूखे मर जाएंगे। हमारी राय में तो नहीं जाना चाहिए भैया। और फिर मैंने कह दिया, तुम्हारी मर्जी, हम तो जैसे यहाँ वैसे वहाँ, हम तो जाते हैं। ए, चलो रे जगन भैया, चलो। अभी सनाज से जो भी कुछ मिलेगा उसे महल में अपने परिवार तक तो पहुंचा के ही रहूंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ, मुझे भूख लगी है। बस बस बेटा, चुप हो जाओ बेटा, धैर्य रखो, महारानी साहिब भोजन का प्रबंध कर रही हैं। महारानी साहब, सारे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, उन्हें क्या खिलाएं, कैसे बताएं उन्हें कि महल में अन्न का एक दाना भी नहीं है। किसी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, इन सबको भोजन अवश्य मिलेगा। परंतु कैसे महारानी साहिबा? महल में अभी भी भोजन है। नहीं महारानी साहिबा, वो भोजन तो युवराज का, भगवान के लिए आप ऐसा नहीं कीजिए। कब तक हम ऐसे भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? अरे आप कुछ कीजिए ना, हम अगर अकेले होते तो सेंड कर लेते, परंतु हमारा बच्चा, इसे क्या पता कि बस ऐसे ही बैठे रहिए आप। मेरा कहा मानकर यहाँ से चले गए होते तो आज हमें ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। अरे कैसे पिता है आप, अपने होने वाले बच्चे की तो चिंता है ही नहीं आपको, बस उसी संतान की चिंता है जिसके करनी से आज झांसी में कोई नहीं बचने वाला। बस चिमड़ा, यदि एक शब्द तुमने मनु के विरुद्ध कहा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। कैसी कैसी स्त्री हो तुम? सुना था, सुना था स्त्री ही स्त्री की पीड़ा समझती है, पहचानती है, परंतु तुमने बनु की पीड़ा समझने की कभी कोशिश भी नहीं की। अरे क्या क्या नहीं किया हमारी बनु ने झांसी के लिए, अपने पति को, अपने बच्चे तक को खो दिया, उसने सब कुछ न्योछावर कर दिया। आवश्यक यह था कि तुम उसका साथ निभाती, उसका मनोबल बढ़ाती,
और तुम होके अपना ही रोना रोए जा रही। यहां बैठिए। अब जल्दी से खाना खा लीजिए, मुंह खोलिए। क्या हुआ, कैसी तबीयत है आपकी? बाबा, आई को क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं बनू। यहां सबकी पीड़ा देखकर विचलित हो गई है। हे देवा, कितनी अग्नि परीक्षा लेगा। आज फिर धर्म संकट में डाल दिया तूने। एक ओर प्रजा भूखी है और दूसरी ओर गर्भवती आई की ये अवस्था, और महल में खाने की एक ही थाली जिसे हमारा पुत्र खा रहा है, कैसे सबको खिलाए, कैसे? मुंदर, आपको याद है हमने आपको एक बार महर्षि दुर्वासा की कथा सुनाई थी, जब महर्षि दुर्वासा को और उनके शिष्यों को पांडवों ने अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था। तब द्रौपदी को पता चला कि भोजन समाप्त हो चुका है। उन्हें बहुत बुरा लगा। उनकी करुणा पर भगवान श्री कृष्ण आए और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को सारी बातें बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अक्षय पात्र में अनाज का एक दाना तो होगा। फिर द्रौपदी चावल का एक दाना लाई, भगवान श्री कृष्ण को दिया, और फिर उन्होंने क्या किया? आप तो श्री कृष्ण बन गए। बच्चे की खाने की थाली उठाकर? नहीं बाबा, दामोदर से अधिक आई साहब को खाने की आवश्यकता। मुंदर, टेलीग्राफिक मशीन ठीक हुई? वो का कहे महारानी साहब, वो ससुरी टेलेक्स मशीन वो ठीक हुई भी नहीं भी हुई। एक अधूरा मैसेज भेज सकी कि झांसी संकट में है। वो के बाद उसका अंजर पंजर फिर वापिस आ गया हमरा हाथ में। हम तो तोड़ मारे वो मशीन का। माफी दे दीजिए महारानी साहब। शक्ति दायनी माँ, हमें भी शक्ति दे के हम अपनी प्रजा का दुख सह सके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। एक को खाना खिलाते हैं तो दूसरा भूखा रह जाता है। बाहर सबकी दृष्टि में बस एक ही सवाल होगा, भोजन कहाँ है? क्या उत्तर दे हम अपनी निर्दोष प्रजा को? महारानी
छोटे छोटे बच्चों का पेट भी नहीं भर सकती। महारानी साहब बहुत भूख लगी है, हमने कहा था कि भोजन लाएगी। बाहर सब आपको याद कर रहे हैं कि महारानी आएगी, भोजन लाएगी। आओ दामोदर, आओ। महारानी साहब, आपकी आई साहब इतनी स्वार्थी नहीं है कि वो दामोदर को भूखा रखकर खुद खा लेगी। अगर दामोदर भूखा रह सकता है तो हम क्यों नहीं। ले लो बेटा, ले लो। भाग्य हमारे साथ नहीं है। चलिए हम ना आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। आप पहले ये कहानी तो सुनिए। ये कहानी बहुत अच्छी है, बहुत रोमांचक है। सुनेंगे ना आप भी। एक बार बचपन में हम घने से जंगल में खो गए। फिर पता है क्या हुआ? अरे आप क्यों बाहर खड़ी हैं? आ जाइए। और आपके पीछे जितने भी हैं ना, सबको अंदर लेके आ जाइए। खो गए थे। अब वो हम अभ्यास करने गए थे और अभ्यास करते करते जंगल में चले गए। महारानी साहब, लगता है व्यापारी लोग अनाज लाने में सफल हो गए। क्या? We are more hungry than you. इसलिए हमने किले में आने वाले राशन को अपने पास रखा।